हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समय की बहुत पाबंदी चल रही है क्योंकि काफी जल्दी लाइव स्ट्रीम हुई और अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी आप लोग ऐसे तगड़े तगड़े न्यूज देनी है, मतलब बातें बतानी है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज, नोट 9 प्रो एंड नोट 9 प्रो मैक्स लॉन्च हो गए हैं। प्रो मैक्स जो है, मैं आप लोगों को एक बहुत ही सिंपल चिट्ठा बता देता हूँ, 14999 के अंदर लॉन्च हुआ है और उसके अंदर आप लोग काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है और ओवरऑल फ़ोन दिखने में काफ़ी ज़्यादा मेरे को लाइक सुंदर लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव सा लग रहा है। बट अगर बात करी जाए लाइक अंदर की बातों के बारे में, तो वो फ़ोन थोड़ा कमज़ोर रहेगा। पहली चीज़ बताता हूँ क्यों। अगर आप उसे कंपेयर करते हो रियलमी 6 प्रो से या फिर 6 से भी, तो उसके अंदर आप लोगों को एक 90 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले नहीं देखने को मिलती। उसके अंदर 60 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले है जो कि IPS LCD ही है। अगर उसमें 60 हर्ट्ज़ वाली AMOLED डिस्प्ले होती तो मैं बोलता हाँ यार काफ़ी अच्छा है, बट 60 हर्ट्ज़ की LCD डिस्प्ले है जो कि बहुत यार मेरे को लगता नहीं अब मैटर करती, क्योंकि 2020 के अंदर ये फ़ोन जो है हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले सब फोन के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि रियलमी ने वो बाउंड्री पुश कर दी है। 90 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले मुझे लगता है अब नेसेसरी होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना मर्जी डिज़ाइन अच्छा करो, जब तक यार डिस्प्ले के अंदर वाली मजे नहीं है ना, 90 हर्ट्ज़ वाले जिस बंदे ने चला लिया है उसको पसंद नहीं आएगा वो, जितना मर्जी कर लो आप। तो यहाँ पे एक चीज़ तो ये हो गई। सेकंड चीज़, जो फोन है रियलमी 6 प्रो या फिर रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स, दोनों के अंदर आप लोगों को स्नैपड्रैगन 720G वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर आप कंपेयर करते हो रेडमी नोट 9 प्रो और रियलमी 6 को, तो रियलमी 6 के अंदर ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर मुझे लगा। MediaTek का G90T जो है काफी अच्छा प्रोसेसर है इन गेमिंग, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो 720G है उसके अंदर जो PUBG है उसमें हाई और HD पे चलती है, और जो लाइक हमारा Realme 6 है उसमें G90T होने की वजह से HDR एक्सट्रीम तक भी चल सकती है, HDR अल्ट्रा पे चल सकती है। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो कि डिपेंड करती हैं। यहाँ पे मैंने आपके तरफ ऐसे बहुत सारी चीज़ें फेंक दिया, आप लोगों को समझ आ रहा होगा हो क्या रहा है। देखो यार, पहली चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो फ़ोन है नोट 9 प्रो मैक्स, वो हल्की फुल्की बात उसके अंदर अच्छी जो मुझे लगी, वो एक तो ये कि उस थोड़ा सस्ता निकाला है, जो कि अच्छी बात है। 15,000 के अंदर फोन बुरा नहीं है, क्योंकि उसमें कलर आपको काफ़ी अच्छा मिलता है, डिज़ाइन ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, हेडफोन जैक, USB टाइप सी का पोर्ट मिलता है, 33W का फास्ट चार्जर मिलता है आपको बॉक्स के अंदर ही। तो फोन जो है नोट 9 प्रो मैक्स काफ़ी एक अच्छा और स्टेबल फ़ोन है। बट अगर बात करूँ लाइक आप लोग को और क्या इंटरेस्टिंग मिलता है, तो उसमें ऐसा कुछ और खास नहीं है, क्योंकि जो 64MP वाला कैमरा है उसके अंदर जो मिलता है वो काफ़ी अच्छा है। सेकंड, आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो बाकी की दो लेंस हैं वो बिल्कुल ख़राब है। एक तो मैक्रो, जो मेरे को बिल्कुल भाई काम में नहीं आती, चलो मैक्रो तो फिर भी काम आया, बट लाइक जो फोर्थ है वो है डेप्थ वाली बिल्कुल काम नहीं आती। वहाँ पे अगर टेलीफोटो होती तो वो सही रहता, जो कि उन्होंने नहीं दी, जो कि मुझे लगता है Xiaomi ने यहाँ पे कहीं ना कहीं पैसे कम कर दिए। अब यहाँ पे जो यार मेरे को मेन कंसर्न लगता है वो ये है कि जो Realme 6 Pro के अंदर आपको बेटर कैमरा देखने को मिलता है फ्रंट के अंदर, क्योंकि उसके अंदर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल वाला जो कैमरा है वो मिलता है फ्रंट में, जिससे कि आप लोग ज़्यादा अच्छा व्यू ले सकते हो, एक ज़्यादा बड़ा व्यू, और उससे वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो अल्ट्रा वाइड एंगल वाले से। तो मुझे लगा वहाँ पे Realme 6 Pro के अंदर जो आप 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा दे रहे हो, तो वहाँ पे आपको एच मिल रही है, 90Hz की डिस्प्ले मिल रही है और आपको एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल रहा है फ्रंट के अंदर। बाकी परफॉर्मेंस वाइज दोनों ही फोन सिमिलर रहने वाले हैं, दोनों में कैसे डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। बाकी जो डिजाइन है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सा निकाल दिया Xiaomi ने, मतलब जो अरोरा डिजाइन है इनका, उसके अंदर काफी अलग अलग इंटरस्टेलर ब्लैक कलर निकाला है, और इनका जो डिस्प्ले काफी ज्यादा बड़ी कर दी, डॉट नॉच डाल दी उसके अंदर लाइक गैलेक्सी नोट 10 जैसी। तो काफी सारी चीजें हैं जो कि भाई मैं कह सकता हूँ अलग है और यूनिक है इस प्राइस के अंदर। बट मैं फिर वही वाली बात बोलूंगा, जो प्राइस है अगर 15,000 का है तो मेरे को लगता था डिस्प्ले 90Hz की होती सही रहता, लेकिन वो मेरे को दिल में हर्ट कर गया। सो भाई बैटरी की बात करी जाए, तो बैटरी के अंदर भी ऐसे बिल्कुल जूस भर दिया गया है। 5020 की बैटरी देखने को मिलती है, और भाई स्टेज पे तो बोला गया कि 11 घंटे PUBG। पहली बात तो भाई इतनी देर कोई खेलता नहीं है तो कोई खेल के देख भी नहीं सकता कितनी देर कैसे खेली जाएगी। और रही बात 11 घंटे PUBG कौन खेलेगा यार, पागल थोड़ी ना घर पे जूते वूते पड़वाने के, मम्मी के पास चप्पल उड़ती हुई आएगी। और भाई फास्ट चार्जिंग, जैसे मैं बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, 33W की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है आप लोगों को, बॉक्स के अंदर चार्जर मिल रहा है, थैंक गॉड, भगवान धन्यवाद, आपने Xiaomi को थोड़ी अकल दी, उन्होंने बॉक्स के अंदर दिया जो कि बहुत सही रहा। सो गाइस, वैसे फ़ोन है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा अजीब भी, लेकिन जब तक हमारे हाथ में टेस्टिंग के लिए नहीं आएगा जब तक मैं आप लोगों को अपना फाइनल ओपिनियन नहीं बताऊंगा। बट अगर कंपेयर करें जैसे Realme 6 Pro से, तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर ही फ़ोन है, कुछ ज़्यादा बड़ा डिफरेंसेस नहीं है दोनों फ़ोन के अंदर, और दोनों मुझे ऐसे लगे लगभग सेम। बट डिज़ाइन के मामले में मैं रेडमी को बोलना चाहूँगा ज़्यादा अच्छा है डिज़ाइन के मामले में। वैसे गाइस, काफ़ी लोग सोचेंगे कि ये हेल्प करता है 90Hz की डिस्प्ले, तो यार हाँ ये हेल्प करती है, अगर आप कुछ भी कर रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, वीडियो भी देख रहे हो, जब भी आप लोगों को मज़ा आता है, जैसे स्मूथ सा लगता है, बिल्कुल मक्खन मलाई वाली डिस्प्ले है, तो काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। तो मैं तो यही बोलूँगा यार, इसके अंदर भी अगर नोट 9 प्रो के अंदर भी वही डिस्प्ले होती सही रहता। अब पोको X2 को कैसे कम्पीट करेंगे यार, इतने सारे फ़ोन हो रहे हैं, मैं क्या करूँ भगवान क्या होगा ये दुनिया में, इतने सारे फ़ोन लॉन्चेस होते जा रहे हैं और तो गला भी ख़राब है। तो यार आप लोग बताओ कॉमेंट्स के अंदर, वैसे काफ़ी ज़्यादा मैं कह सकता हूँ छोटी अलग टाइप की वीडियो थी, क्योंकि इतने सारे फ़ोन हो गए एक साथ आ रहे हैं और भाई समझ नहीं आ रहा क्या करना है।
तो जितना हो सके मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कैसी लगी, अगर पसंद आए तो लाइक कर दो, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके बाय।